छोड़ धाम। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबको हमारे आज के नए ब्लॉग में। यहाँ बन रही है सैंडविच, ये अभी बच रहे हैं सुबह के 7, बन रहा है दूध। आ जाओ रिशु, लंच पैक हो रहा है बच्चों के लिए, चलो अंदर। इनकी चोटियाँ बनाती हूँ, ताक्षी हो रही है तैयार, देखो भी 7 पूरे बजे भी नहीं है। आ चलो चोटी बनाती हूँ, आज इनका स्कूल का टाइम ना, इसीलिए जल्दी जल्दी करना है। होगी सारी तैयारी, मुँह नहीं बनाना, पियो जल्दी से। अरे रिशु इतना टाइम नहीं, जल्दी पियो। शूज के चक्कर में पूरी रैक खराब करके चली गई है ये। इनकी आ गई वैन, बाय। सबसे पहले तो मैं शू रैक सही करूं। ये इनके शू रैक में, ये खाली बच्चों के हैं, ये वाले डेली यूज और ऐसे स्लीपर है। अब बनाती हूँ डॉक्टर साहब के लिए भी सैंडविच, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाती हूँ और फिर मिलूंगी आपको। तो गाइज, यहाँ मैं अपने सारे काम से और नहा धोकर हो गई हूँ फ्री, और डॉक्टर साहब भी जा चुके हैं अपनी क्लिनिक के लिए। उनकी उंगली में काफ़ी चोट थी, मैंने मना किया कि मत जाओ, तो उन्होंने प्लास्टिक का एक ग्लव्स था तो उसे पहन लिया था, बोले इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं चला जाता हूँ। बाकी अब थोड़ी बहुत देर में बच्चे भी आने वाले हैं, तब तक मैं उन्हीं का वेट करती हूँ। ये बच्चे स्कूल से आ गए, स्कूल से आने के बाद इन्होंने ना तो यूनिफॉर्म चेंज करनी है, ना कपड़े पहनने हैं, ना हैंड वॉश, ना पैर धुलने हैं, सारे संस्कार भूल गए क्या तुम लोग? इधर देखो, देखो पैर भी तो जाओ ताक्षु। ये रिशु, इनसे फोन छीनो फटाफट से, रिशु इनसे फोन छीनो जल्दी, बस खड़ी है ताक्षु, जल्दी से हाथ पैर धुल के आओ, अपने कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। रिशु इससे कह दे, रिशु मैंने मतलब अगर फोन रखने के लिए बोला तो ये कहा कि आप पकड़ लो। इधर देखो कितनी देर से कह रही हूँ आपसे कपड़े चेंज करने के लिए, समझ में नहीं आ रही बात, फटाफट से कपड़े चेंज लो। इसका यही ड्रामा रहता है डेली का, कपड़े चेंज कर फटाफट से। इनमें से ना वाटर बॉटल निकालनी है, ना लंच बॉक्स निकालना। आपको पता कितना सारा होमवर्क दे रखा है टीचर ने होमवर्क दे रखा है मैं बताऊ मेरे को क्या क्या मिला है, 40 शब्द लिखने ऐसे साइड साइड में, 40 टोटल, पूरा 2 चैप्टर है वो 40 टोटल में आके, फिर एक पूरी एक्सरसाइज करनी है मुझे। अब मैंने आज बनाया आलू परमल, नहीं नहीं खाना, चीनी के पराठे। तो मैं चीनी के पराठे, और रिशु आपको तो मैं बना के ला रही हूँ, मुझे ये सब कुछ हटा हुआ चाहिए, अपना बैग सही से लगाओ। नहीं लंच बॉक्स निकालो इसमें से। सो गाइस, मैंने थोड़ा रिलैक्स कर लिया जब मैं इस वाले रूम में सो रही थी और बच्चे अंदर वाले थे, जैसे मैं बाहर निकल कर आई तो मैंने देखा कि ये क्या है, रिशु एकदम निकली। ओह क्या बनी हो आप? आई एम शिनचैन। शिनचैन ये इतनी मतलब इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस जैसे बना लेती है, मेरी स्कार्फ से, दुपट्टों से, इसे बहुत अच्छा लगता है ऐसी ड्रेसेस बनाना, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहेगी अपनी, लगता है मुझे जैसे कि फैशन डिजाइनिंग का आगे कुछ कर सकती है इस फील्ड में। भैया जो बच्चे कहें हम तो उसी में राजी हो जाते हैं, इन्हें जो करना है वो करें, कुछ इन्हें पता तो रहना चाहिए ना कि इन्हें अपने लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या बनना है। मोस्टली ना तो बच्चों को पूरी जिंदगी निकल जाती, पता ही नहीं चल पाता कि हमें करना क्या है। लोग ऐसे होते हैं यार मुझे तो ये बनना था, यानी पहले से स्टार्ट हो जाए ना सोचना कि हाँ, वो समझ लेते हैं कि हम इतनी छोटी सी उम्र में ही कि हमें ये काम करना है, तो उस चीज में आगे बढ़ते हैं और अपना जो एम होता है उसे अचीव भी कर लेते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरी दोनों बेटियों ने अपने लिए अलग अलग फील्ड चूज कर रखा है, अभी से भी कोई उनका इतनी बड़ी नहीं है वो कि नहीं मुझे ये करना है आगे जाके, छोटी को अलग कुछ करना है, तो हम भी उनके साथ हैं, अच्छी बात है। उन्होंने खुद अपने आप को और अपने टैलेंट को पहचाना तो है कम से कम। तो आज एंजॉय की जा रही है पकौड़ियाँ, आज डॉक्टर साहब लेकर आए हैं पकौड़ियाँ गर्मा गर्म, थैंक यू। हाँ अब एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है?
आई कार्ड मिल गया। अरे वाह भाई वाह, मेरी क्यूटू पाई को आई कार्ड मिल गया। वेरी गुड वेरी गुड। और आपकी उंगली ड्रेसिंग करवाई थी, नई ड्रेसिंग है आज की? चलो सही है। कैसा हाल था जब आपने ओपन करके देखी तो? बिल्कुल साफ, चकाचक चकाचक सेट बिल्कुल। कहाँ तक गई है उंगली चिर के? मैंने बता दिया था वहीं तक है और यहाँ तक। मम्मा आए हाय। हाँ गाइस कमेंट करके लिख देना कि काइगाट काइगाट जिसने भी लिखा मतलब उसको अच्छा लगा मेरा। मम्मा हाँ मेरा तो आ गया आई कार्ड, ये फिर एक था पुराना वाला, नया आया है, फोटो सेम ही छाप दी। कोई बात नहीं, इतना शक्ल में कोई डिफरेंस नहीं आया वो। चलो पकौड़ियाँ खा लो आप, होमवर्क हो गया दोनों का? मेरा तो पूरा। आप कर रहे हो, मुझे ज्यादा था ना बहुत। सो गाइस आज हम बनाने वाले हैं रसमलाई, दूध की एक अच्छी सी रेसिपी, आसान और बढ़िया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ज्यादा फैट वाला दूध नहीं लेना है, कम फैट वाला लेना है। तो सबसे पहले हम दूध को गर्म करेंगे। गरम करने के बाद फिर हम इसे फाड़ेंगे नींबू डालकर। एक लीटर दूध होगा। ये एक लीटर हमारा दूध है और हमने चॉप अभी से करके रख लिए हैं, अपने ड्राई फ्रूट्स भी जो इसमें डालने हैं। बाकी बच्चों ने यार हद कर दी यार, इन्होंने भी छोड़ रखी है सैंडविच, इन्होंने भी छोड़ रखी थी। जब तक दूध गर्म होता है हम बाकी अपनी तैयारी करते हैं। दूध में आ गया है बॉयल। सबसे पहले तो हमने अपनी कढ़ाई में रखी थी दूध बॉयल होने के लिए, कढ़ाई रखी थी, बट उसमें क्या हुआ ठंडा दूध था तो, और गैस हमारा फ्लेम थोड़ा ज़्यादा होगा तेज, तो उसमें एकदम से लग गया। तो मैंने फिर चेंज करके हांडी में रखा है दूध अभी, और इसमें अरे इसमें हम डालते हैं नींबू का रस, जिससे कि दूध अब इससे दूध ना फट जाएगा। रिशु क्या कह रही थी? और नींबू का रस डालते ही ना तुरंत दूध फटने लगता है, और फिर देखिए इसमें ना छोटे 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 क्रिस्टल जैसे होके फिर यही क्रिस्टल ना बड़े हो जाएंगे। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था जिससे कि इसे कंसिस्टेंसी भी ठीक हो जाए, और अब हम इसे छान लेंगे। ये रेसिपी पता है हमने लॉकडाउन में बनाई थी कई बार। तो इसको पहले हमें वॉश करना है। ये जग में पानी रखा था, इसका यूज हो जाएगा। खटाई निकल जाएगी इससे, जो खट्टापन है वो कम हो जाएगा नींबू का। बस एक बार में साफ, पहले भी हमने साफ कर लिया था इसे, आप इसे 3-4 बार साफ कर लें अच्छे से, इसे खट्टापन भी कम हो जाएगा। ऐसा निकला हमारा छेना। तब इसमें पता हमें क्या करना है, थोड़ी सी मैदा मिला के बहुत ही कम, और फिर इसके रोल बना लेने हैं। चाहे पहले अच्छी तरह से मैश करना जब तक कि तेल सा ना छोड़े। हाँ हाँ चिकनाई ना आ जाए हाथों में, इसे मैश करना अच्छी तरह से। सूख गया अच्छे से, ड्राई हो गया। ये 1 किलो दूध था और देखो कितना सा निकला है। पनीर क्यों ना महंगा हो? बिल्कुल इतना बहुत है। थोड़ी सी और मैदा चाहिए, बहुत है, फिर मैदा का स्वाद आता है। तो हमने बस 1 चम्मच मैदा ली है। मतलब ये है कि गोल गोल जब हम बना रहे हैं तो फटे ना जाए, बिल्कुल स्मूथ नहीं हो। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में दूध रख दिया है 1/2 लीटर, इसमें हम चीनी मिलाएंगे रसमलाई के लिए जो दूध बनता है उसके लिए।
काफी है इतनी चीनी, कम मीठी रहती है। इधर दूसरे कढ़ाई में चाशनी की वो कर रहे हैं प्रोसेस तैयार। हमारी कोई ज्यादा रसमलाई है नहीं तो हम थोड़ी हमारे, सी चाशनी हमारे पास लगभग 10 पीस तैयार हैं ये, उसके लिए क्या कहते हैं हमें थोड़ी ही चाशनी की जरूरत पड़ेगी। मुझे लग रहा है ये कहीं ज्यादा ना हो। तो ये मैंने थोड़ी सी चीनी लेकर हल्की सी हमें पतली सी चाशनी बनानी है, जिसमें ये जो बॉल्स हैं रसमलाई के इन्हें हम छेना भी बोल सकते हैं, तो इसमें मैंने बॉईल कर देंगे जिससे कि चाशनी को एब्जॉर्ब कर लें और उनमें जब हम खाएं तो एक मिठास आए। और थोड़ा सा हमारा ये रस उसका तैयार हो रहा है, हल्की सी चीनी डाल दी थी मैंने अभी आपने जैसे ब्लॉग में देखा था। तो बस चलते हैं इस प्रोसेस को करते हैं स्टार्ट। इसमें भी उबाल आ गया है, देखो पकने देंगे पहले थोड़ी देर उसके बाद डालेंगे। तो यहाँ मैंने ये बॉल्स डाल दी हैं और बीच में पापा जी का फोन आ गया था, वो कंसर्न हो रहे थे इनकी उंगली को लेकर कि क्या बात हो गई, बिकॉज अभी मेरे फादर आए हुए हैं मुरादाबाद में, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अभी से बॉयल होने दो अच्छे से, ठीक है? हाँ इसमें डाल दो, इसकी ये थोड़ा गाढ़ा सा हो जाएगा ना। ये मैं करती हूँ ना, पकड़ो आप फोन पकड़ो। डॉक्टर साहब को ना जब कभी कुछ अलग सी चीज बनाते हैं ना तो उन्हें खुद करने में बहुत मजा आता है, मुझे साइड में कर देंगे। नहीं हटो, पिस्ता डाल दिया, कुटी इलायची डाल दी और ये गए काजू। अब ये पकेंगे इसमें काफी देर तक, इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे, हल्का सा थिक हो जाएगी। बस इसे रख देंगे ऐसे पकने। तो लगभग हमें 10 से 15 मिनट इनको पकाया है, पकाने के बाद फिर हमने ये बॉल्स डाल दी है इस दूध में। अब इस दूध के साथ ही हम इसे में इसमें भी मतलब इसे पकने देंगे थोड़ी देर तक। देखो बॉल्स का साइज थोड़ा चेंज हो गया है, फूली फूली सी हो गई, स्पंजी है ना, अंदर इनके रस चला गया ना। तो गाइज हमारी रसमलाई बनकर हो गई है रेडी, और आपने देखा ही हुआ कितनी इजी स्टेप्स हैं इसे बनाने के, और झटपट से घर में बनकर तैयार भी हो जाती है। रसमलाई खाने के बाद अब डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं, बाकी पापा जी ने भी खा लिया। और हिताक्षी रिशु नहीं खा रही अभी, दाल सही हो रही है? बढ़िया। आज मैंने बनाई थी मूंग की दाल, काफ़ी देर मैं पता क्या करती हूँ, धीमी आंच पर पकाती हूँ, घुट सी जाती हूँ, बढ़िया बनती है फिर एकदम, और किचन साफ हो गया। सो गाइस अभी मैं खा रही हूँ रसमलाई, और रसमलाई बहुत ही टेस्टी बनी है। और आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ यहीं पर एंड करती हूँ, और कल मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। सो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं कल।